I always want to inspire people. I want people to look at me and say, because of you, I started loving travel. Hello friends, I hope everybody is safe and fine in this pandemic situation. So, आज हम बात करने वाले हैं और जो मेरा आज का टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट अ पैकिंग लिस्ट. सो बेसिकली जब हम शुरू में ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं और जब सडन प्लान करते हैं किसी प्लेस को विजिट करने के लिए, तो डेफिनेटली हम बहुत एक्साइटेड होते हैं और उस एक्साइटमेंट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भूल जाते हैं जो हमें पैकिंग लिस्ट में ऐड करनी होती है. तो क्यों ना कुछ हम ऐसा करें जिससे कि हमारे आगे आने वाले सारे ट्रेवल्स में हमारे पास सारी ज़रूरतों के सामान मौजूद हों और हमें कोई परेशानी को फेस ना करना पड़े. जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं सामान को लेके वो हमें आगे फर्दर फेस ना करनी पड़े और हमारा ट्रेवल जो है वो बहुत ही जॉयफुल हो और हम उसमें इंजॉय कर सकें. तो आपको मैं बताऊँगा कि कैसे आप कोई भी सामान भूलना अवॉइड कर सकते हैं और जितनी भी आपकी ज़रूरतों की चीज़ें हैं जो आप ट्रिप पे यूज़ करने वाले हैं वो आपके पास अवेलेबल हो. मैंने एक पैकिंग लिस्ट बनाया है जो कि एक चेकलिस्ट की तरह है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें एक चेकलिस्ट फॉलो करना है जो कि आपको सुनने में बहुत ही अटपटा लग रहा होगा, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपना एक चेकलिस्ट क्रिएट करें जो कि पैकिंग लिस्ट के होंगे ताकि हम ऐसा कुछ मिस ना कर सकें जिसकी जरूरत हमें ट्रैवल करते समय पड़े और हमें परेशानियां फेस करनी पड़े. जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने चेकलिस्ट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो मैं आपको बताऊँ ऑन व्हाट बेसिस आई हैव डिवाइडेड दैट. सो फर्स्ट जो फैक्टर है जिसको हम इंक्लूड करके हमसे डिवाइड करेंगे वो है डेज, नंबर ऑफ डेज यू आर गोइंग टू ट्रैवल. तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे कि हम कितने दिन के लिए ट्रिप पे जा रहे हैं. और जो दूसरा बेसिस है जिस पे मैं उसे डिवाइड कर रहा हूँ वो है टाइम, कि जैसे कि आपका टाइम फ्रेम, हम क्या करेंगे उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में डिवाइड करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पर्टिकुलर डे में हम उस वक्त क्या करने वाले हैं. जैसे कि उसे हम चार पार्ट में डिवाइड करेंगे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट, ताकि हमारे चेकलिस्ट में वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड हों जो कि हमने प्लान किया है ऑलरेडी करने का. तो हम उसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट के फेजेस में डिवाइड करेंगे और ये पता लगाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें उस वक्त ज़रूरत पड़ने वाली है. और उसके बाद हम इसे डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इटनरी. इटनरी के बेसिस पे क्यों मैं डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आपके इटनरी में ये इंक्लूडेड होता है कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, आपके प्लान क्या है, आपका होटल का प्लान क्या है, आपका स्टे का प्लान क्या है, आप कहाँ पे होने वाले हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे. तो उस जगह पे हम क्या करने वाले हैं उसके हिसाब से हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी. जैसे कि सपोज़ आप गेम्स खेलने गए हैं, आपका मन है गेम्स खेलने का. बहुत सारे होते हैं जो ट्रैवल करते हैं उसके दौरान उनके एक्टिविटीज़ से बहुत इंटरेस्ट होते हैं, तो एक्टिविटीज़ के लिए कुछ उन्हें प्लान करना होता है. तो ज़्यादातर चीज़ें हम कैरी करने की कोशिश करेंगे ताकि हम वहाँ पे ऐसा ना हो कि बेवजह के पैसे वेस्ट करने पड़े हमें और जो भी हमें इक्विपमेंट्स हैं और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी हमें रेंट करना पड़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भी सेव कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मतलब अवेलेबल हो जो कि हमारी हेल्प करेगा एट द एंड एक प्रॉपर तरीके से ट्रैवल करने में. और इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें कंसिडर करना ज़रूरी है वो है वेदर, जिसको मैं हमेशा हाई प्रायोरिटी देता हूँ. क्योंकि अगर वेदर ख़राब है और आपके पास वेदर के अकॉर्डिंग क्लोथ्स नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है और आपके रिसोर्सेज नहीं है, डेफिनेटली आप स्ट्रगल करेंगे और आपका जो भी ट्रैवल रहेगा और ट्रिप रहेगा वो जॉयफुल और इन्जॉय नहीं कर पाएंगे आप. सो बेहतर ये रहेगा कि अगर आप ठंड में जा रहे हैं तो आप अपने ठंड के सारे कपड़े और जो भी शूज़ हैं और जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है वो अपने आप साथ कैरी कर लें और अपने चेकलिस्ट में ऐड कर लें, ताकि एट लास्ट वाइल लीविंग फ्रॉम योर होम आपको ये मालूम हो कि आपकी ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं. वरना वही होगा कि आप ठंड में गए हैं और ठंड में सिर्फ ठिठुर रहे हैं और कहीं घूम नहीं पा रहे हैं और आप उस जगह का मज़ा नहीं ले पा रहे हैं. सो आफ्टर दिस हमें ध्यान देना चाहिए अपने रेगुलर रूटीन पे भी, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेगुलर रूटीन में मेडिसिन लेते हैं और रेगुलर रूटीन में उनके बहुत सारे लाइक प्रॉब्लम्स होते हैं. सपोज़ कुछ लोग होते हैं जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, कुछ लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बीमारियाँ होती हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ और पर्सनल बिलोंगिंग्स को लेके चलना ज़रूरी समझते हैं. वो
जो भी रेगुलर रूटीन्स में करते हैं या रेगुलर रूटीन की नीड है उसको भी अपने चेकलिस्ट में एंटर कर सकते हैं, ताकि वहाँ जाने के बाद उन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो उनके साथ मौजूद हो, उन्हें उसके लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। और मेडिसिन एनीवे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ट्रैवल करने जा रहे हैं तो मे बी कुछ भी हो सकता है, आप जा रहे हैं ट्रैवल करने, मे बी यू विल फील सिक हो सकता है वेदर की वजह से, या फिर थोड़ा सा सडन एटमॉस्फेरिक चेंज की वजह से आपको थोड़ा फीवर हो जाए या कुछ भी होता है, या सपोज यू हैड फेस सम एक्सीडेंट, लाइक कहीं जा रहे हैं आप ट्रैकिंग करने कुछ भी और आपको थोड़ी बहुत चोट लग सकती है, तो उसके लिए आपको मेडिसिन एंड प्रॉपर जो भी चीज़ें हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो भी रखनी चाहिए साथ में, ताकि आप उस टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे लड़ सकें और आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हों, ताकि आपको कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े जिससे कि आपका ट्रैवल जो है वो थोड़ा सा अनफेयर सा हो जाए। और अगर आप बाई रोड ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, डेफिनेटली अपने चेकलिस्ट में फ्यूल स्टेशंस पॉइंट कर लेना, ताकि आपको ये मालूम रहे कि आप किस जगह पहुँचने वाले हैं और कितनी डिस्टेंस के बाद आपको फ्यूलिंग करना है। क्योंकि ऐसा मैंने अक्सर देखा है लोगों के साथ कि वो लोग फ्यूल स्टेशन को क्रॉस करते जाते हैं, क्योंकि जल्दी हम जाते रहते हैं, हम जल्दी जल्दी में होते हैं या एक्साइटमेंट में होते हैं या अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं या फिर हम ऐसे मूड में होते हैं कि हम चलते चले जाते हैं। और बहुत सारे लोगों मैंने देखा है कि फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल ना फिल करने की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कुछ जगहों पर कि फ्यूल आगे नहीं मिल पाता है और वो लोग फिर परेशान होते हैं। तो बेहतर ये होगा कि उसे भी हम अपने चेकलिस्ट में इंक्लूड कर लें, जैसे कि मैंने किया है, ताकि जब हम ट्रैवल कर रहे हों उस वक्त हमें फ्यूल्स एंड व्हीकल से कोई इशू ना हो। और इसके लिए आप अपने सारे स्पेयर पार्ट्स को भी चेक कर लें, जो भी आपके व्हीकल से रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स हैं, और अपने सारे टायर्स के एयर को चेक करवा लें। ये सारी चीज़ें आप चेकलिस्ट में अपने इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि जब आप अपने घर से निकल रहे हों उस वक्त आपके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल हों, और जो भी आपका प्लान है निकलने के बाद और रास्ते में आपको जो भी चीज़ें करनी है वो भी आपके साथ चेकलिस्ट में इंक्लूडेड हो। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, मेरा तो ये मानना है अच्छा लगा ही होगा। कोशिश करूँगा कि और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ, और जितना मुझे मालूम है जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्प कर सकूँ और बेहतर तरीके से आपको समझा सकूँ कि ट्रैवल करना सिर्फ शौक नहीं, ट्रैवल करने का एक बेहतर तरीका होता है, और उस तरीके को अगर हम फॉलो करें तो हमारा ट्रैवल जर्नी हमेशा जॉयफुल रहेगा और हम इंजॉय कर पाएंगे। सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एंड बाय बाय।